सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई क्यू एन ए वीडियो। आई होप गाइज आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपके नैनीताल वाला भाई भी एकदम मस्त है। तो गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया हुआ था जिस पर कि आप सभी से पूछा हुआ था कि आप लोग मेरी लाइफ के बारे में एंड मेरी ब्लॉगिंग के बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट वगैरह कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मेरे से सवाल। तो आज का जो वीडियो बनने वाला है उसी से रिलेटेड बनने वाला है। मैं आज के इस वीडियो में आप सभी के उन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो गाइस, जिसने भी मतलब अभी तक का मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। और बाकी अगर आपने ये वीडियो अगर ओपन कर ही ली है तो अपनी आंखें और कान बिल्कुल एकदम मेरी ओर बना करके रखें, क्योंकि मैं आप सभी तक अपनी कुछ बातें मतलब गाइस शेयर करने वाला हूं। तो इसीलिए आप बिल्कुल एकदम फोकस वीडियो पे बनाए रखें। तो गाइस, काफ़ी लोगों ने मतलब सवाल पूछे हुए थे, काफ़ी लोगों ने मेरी लाइफ के बारे में सवाल पूछे हुए थे और काफ़ी लोगों ने ब्लॉगिंग के बारे में सवाल पूछे हुए थे। तो उन सारे सवालों का जवाब अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके सारे सवालों का जवाब स्टार्ट करते हैं। आप गाइस, सवाल के जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज़ मतलब बताना चाहता हूं। तो जैसे कि आपने देखी होंगी, काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी क्यों होने वाली, तो उसमें सारे लोग एक फ़ोन से वीडियो मतलब रिकॉर्ड करते हैं और दूसरे फ़ोन से क्वेश्चन देख करके आंसर देते हैं। बट गाइज, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कुछ अलग तरीका अपनाया है। तो मैंने अपनी एक नोट जो बुक है, ये मेरी पॉकेट नोट है, थोड़ी छोटी सी डायरी। तो आप सभी के जो क्वेश्चन हो इसमें नोट कर रखें, लिख रखें। तो इसमें से देख करके मैं आप सभी के सवाल का जवाब देने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रखा है वो रनिंग फिटनेस टिप्स, तो उन्होंने बोला है भाई ब्लॉगिंग करने कहीं बाहर भी जाओ तभी तो और भी मज़ा आएगा ना। जैसे कि आपको पता ही है आजकल मौसम ख़राब की वजह से काफ़ी तगड़ी बारिश हो रही है पहाड़ों में, तो बिल्कुल इधर उधर जाने का बिल्कुल हो नहीं पा रहा है। और बाकी कुछ समय पहले आपने ब्लॉग पे भी देखा होगा कि मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब हुई थी, तो जिस वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रहा था, बस यहीं के ब्लॉग आ रहे थे। बट अभी धीरे धीरे सारे मैं मतलब एक्सप्लोर करूँगा, अभी गाँव हो गया, बाकी गाँव से बाहर को हो गया, सारी जगह धीरे धीरे एक्सप्लोर होंगी। तो और बाकी दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है वो है सौरभ दा फैंस करके। तो सौरभ दा फैंस जो है उन्होंने पूछा हुआ है, भाई आपकी गर्लफ्रेंड है क्या और आपकी एज क्या है? तो यार मतलब आपको लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड होगी करके, तो सौरभ भाई मतलब ऐसा है, मतलब गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड मेरी मतलब कोई नहीं है। और बाकी रही एज की बात, तो मेरी एज है 22, तो मैं 22 साल का हूँ अभी। और बाकी गर्लफ्रेंड की बात रही तो गर्लफ्रेंड कोई नहीं है मेरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित बजेठा का, तो उन्होंने पूछा है भाई अपना नंबर दे दो ना। तो उन्होंने नंबर मांगा हुआ है। तो मोहित भाई, नंबर तो ऐसे में मतलब कमेंट्स पे आपको मतलब करके दे नहीं सकता हूँ, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगा, वहाँ से आप इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर सकते हो और मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रखा है वो आ रखा है केजी राकू आर्ट्स, तो उन्होंने पूछ रखा है भाई आपका चैनल मोनेटाइज हो गया क्या? तो जैसे कि गाइस देखिए, आप सभी को पता है यूट्यूब की एक क्राइटेरिया होती है जिसको कि पूरा करना होता है, वो 1000 सब्सक्राइबर पूरे और 4000 घंटे अपने चैनल पे पूरे करने होते हैं, तब जा करके चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं। तो अभी मतलब मोनेटाइज तो मेरा चैनल हुआ नहीं है, बट आप सभी का प्यार और सपोर्ट ऐसे बना रहेगा तो बहुत ही जल्दी मतलब हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पंकज भट्ट का, तो उन्होंने पूछा है भाई कमेंट वालों के नाम भी लीजिए ब्लॉग में। तो पंकज भाई बिल्कुल क्यों नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि हर महीने में एक Q&A वीडियो रखूँ जिसमें कि आप लोग मेरे से सवाल पूछें और मैं उनका जवाब दूँ, वो मेरी लाइफ से रिलेटेड, मेरी ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो। तो मैं ज़रूर मतलब उन सभी का नाम लूँगा जो भी मतलब कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट करेगा, कमेंट करके सवाल पूछेगा, तो उनका नाम ज़रूर लूँगा। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रुचि भूमि ब्लॉग्स करके, तो उन्होंने पूछा है भाई तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया क्या? तो रुचि भूमि ब्लॉग्स जी मतलब अभी चैनल मोनेटाइज हुआ नहीं है, आप सभी का प्यार और सपोर्ट बने रहेगा तो बहुत जल्दी हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है उमेश कोरंगा जी ने पूछ रखा है, तो उन्होंने पूछा है ये नैनीताल वाला भाई कौन है? तो कोरंगा जी मतलब जो नैनीताल वाला भाई आप मतलब सुनते हो मेरे ब्लॉग पे आगे से स्टार्टिंग पे, तो वो मेरा इंट्रो है स्टार्टिंग में, जो कि नैनीताल वाला भाई मैं खुद हूँ, मैं नैनीताल में रहता हूँ, तो वो इंट्रो में मैं बोलता हूँ, तो ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गोलू इट्स गेमिंग, तो गोलू इट्स गेमिंग भाई ने पूछ रखा है भाई हमारी साइट का भी ब्लॉग बनाना,
तो गोलूट सिंह गेमिंग भाई जो है मतलब हमारे यहीं के ही हैं, पड़ोस के गांव के हैं, तो उन्होंने बोला है हमारी एरिया हमारी साइड का भी ब्लॉग बनाना। तो भाई बिल्कुल ज़रूर ज़रूर जल्दी जल्दी मैं सारे मतलब जगहों को एक्सप्लोर करते रहूँगा, दिखाते रहूँगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रखा है वो आ रखा है रोतेला फैमिली ब्लॉग करके, तो उन्होंने बोला है वी आर योर रेगुलर व्यूअर फ्रॉम जर्मनी, वी मिस अवर होम उत्तराखंड एंड योर वीडियो गिव अस फीलिंग लाइफ वी आर बैक टू होम, कीप इट अप। आपको सबसे पहले तो रोतेला फैमिली ब्लॉग्स जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से हमारे वीडियो को देखते हैं, और बाकी काफ़ी पसंद आती है उनको हमारी वीडियो, और उनको अपने उत्तराखंड की याद भी आ रही है रोतेला फैमिली ब्लॉग्स जी को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार और इतना सपोर्ट दे रहे हैं, वो भी इतनी दूर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है राजकुमार आर्या जी ने, तो उन्होंने बोला है भाई आप कौन से गांव से हो। तो राजकुमार जी मैं उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे गांव का नाम है बुरांसी, जो कि धारी मुक्तेश्वर क्षेत्र में आता है नैनीताल ज़िले के अंदर में। तो बुरांसी गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, बुरांसी गांव में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम बुरांसी है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रखा है गाइज वो आ रखा है प्रियंका प्रिया फ्रॉम जोलीकोट नैनीताल। तो प्रियंका जी ने क्वेश्चन कर रखा है आप ब्लॉग किससे शूट करते हो। तो प्रियंका जी मैं अपना जो ब्लॉग बनाता हूँ वो सिंपल से अपने स्मार्टफोन से बनाता हूँ बस, बाकी मेरे पास कोई और चीज़ तो है नहीं, मतलब कैमरा वैमरा वगैरह, बस सिंपल अपने स्मार्टफोन फोन से मैं बनाता हूँ वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी प्रियंका जी ने पूछ रखा है, तो तीन चार क्वेश्चन उन्होंने लगातार पूछ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका है आपका विलेज का नाम क्या है। तो प्रियंका जी जैसे कि मैंने बताया दिया मेरे विलेज का नाम है बुरांसी, जो कि नैनीताल के मुक्तेश्वर क्षेत्र के अंदर में आता है। तो उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और आपकी एज क्या है। तो प्रियंका जी मेरी जो फैमिली है जॉइंट फैमिली है, काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो मेरी फैमिली में जो है कुल मिलाकर के 16-17 मतलब लोग रहते हैं। तो उनमें से काफ़ी लोग तो मतलब बाहर जॉब वगैरह करते हैं, और कुछ लोग घर में हैं जिनको आप ब्लॉग पे देखते हैं, और कुछ बाहर पे हैं। तो कुल मिला के 16-17 लोग मेरी फैमिली में हैं। और रही बाकी एज की बात, तो वो मैंने बता ही दिया कि मेरी एज जो है 22 है, 22 साल है। प्रियंका जी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एडिटिंग करने में आपको कितना समय लगता है। तो प्रियंका जी एडिटिंग का मतलब कोई फिक्स टाइम होता नहीं, वो वीडियो के हिसाब से, वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से मतलब होता है कि कौन सी वीडियो किस तरीके से कैसे एडिट करनी है, और मतलब मिनिमम लग ही जाता है करीब 1.5 से 2 घंटे या फिर 3 घंटे भी लग जाते हैं किसी किसी वीडियो में, वो वीडियो के हिसाब से होता है, वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से। तो बाकी गाइज नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कर रखा है वो क्या हुआ है प्रकाश जी। तो सबसे पहले प्रकाश जी तो आपको मतलब दिल से शुक्रिया कि आपने कमेंट्स करके पूछा, और बाकी प्रकाश जी का जो क्वेश्चन है वो है कि आपकी एज क्या है और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया दिया कि मेरी जो एज है वो 22 है, 22 साल का हूँ मैं, और बाकी रही फ्यूचर की बात, तो फ्यूचर की प्लानिंग मेरी ऐसी है कि जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मतलब मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, तो मैं एक यूट्यूबर भी बनना चाहता हूँ, एक ब्लॉगर भी बनना चाहता हूँ, और उसी के साथ साथ में मेरी फ्यूचर की प्लानिंग ये है कि मतलब मेरा खुद का कोई बिजनेस हो, मैं खुद का अपना काम करूँ। तो गाइज बाकी फाइनली मैंने आप सभी ने जितने भी क्वेश्चन किए हुए थे तो वो सभी के मतलब मैंने जवाब दे दिए हैं। तो आई होप आपको ये मतलब जवाब मेरे अच्छे लगे होंगे, और बाकी अगर आप और भी अगर कुछ मेरे से मेरी लाइफ के बारे में और भी मतलब कुछ जानना चाहते हो, या फिर ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, आप मेरे परिवार के, मेरे घर के बारे में और मेरी लाइफ के बारे में कुछ भी अगर आपको जानना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और बाकी गाइज मैं सोच रहा हूँ कि हर महीने में एक Q&A वीडियो ज़रूर हो, तो अगर आप चाहते हैं कि हर महीने में एक Q&A वीडियो आए करके, तो आप कमेंट में बताएं मेरे को, तो हर महीने में एक Q&A वीडियो करेंगे, हम वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आप लोगों के सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। तो गाइज बाकी आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं, और बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक का रखूँगा क्योंकि आज का कोई लाइफस्टाइल ब्लॉग नहीं था, बस एक Q&A वीडियो थी जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए मैंने। तो थोड़ा सा बाकी वीडियो के एंड करते करते आज की हल्की फुल्की अपडेट मैं दे देता हूँ आपको, तो आज के मौसम की अपडेट देता हूँ। जैसे कि आप मौसम देख रहे हैं डेली आज का ख़राब ही चल रहा है, आसमान में पूरे बादल ही हैं, धूप वूप आई नहीं है, और अभी भी मैं बारिश में हूँ, अपने ऊपर धार मार रखा हूँ, यहाँ पर से आपके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर से चारों दिशाएँ दिखती हैं और पूरा नेचर दिखता है, चारों मतलब इधर उधर के सारे गांव दिखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो खुले में अगर मैंने सोचा कि अगर खुले में आपके सवालों का अगर जवाब दिया जाए
तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे धार में आपके सवाल के जवाब देने के लिए। तो बाकी गाइज ये थोड़ा सा मौसम की अपडेट भी होगी आज के इस वीडियो में। तो फिलहाल मैं गाइज इस वीडियो के यहीं पर एंड करता हूँ। तो आई होप आपको ये Q&A का जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कैसी लगी। और बाकी अगर आप मेरी वीडियो पे अगर मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की पहाड़ से अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो गाइज मैं ईश्वर बिष्ट मिलता हूँ आपको फिर से अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।